खरगोन जिले के गोगावा जनपद के ग्राम पंचायत रूपखेड़ा में पेयजल कुएं में धांधली का मामला जनसुनवाई पहुंच गया है। ग्रामीणों ने जनसुनवाई में शिकायत आवेदन देकर सरपंच सचिव और रोजगार सचिव पर कुओं निर्माण में शासकीय राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल समस्या दूर करने के लिए कुप स्वीकृत हुआ था, लेकिन सरपंच सचिव और रोजगार सहायक ने साठ गांठ कर गाँव के पुराने कुएं की मरम्मत कर स्वीकृत राशि का हरण कर लिया। ग्रामीणों ने उक्त मामले की जाँच कर नया कुआं निर्माण करने की मांग की है। खरगोन से जयंत गुप्ता रिपोर्ट। मेहरगट्टी से आए हैं, रुखेड़ा पंचायत है हमारी, मेहरगट्टी गांव है। और पेयजल का कुआं जो सुकृत हुआ था उसे खोदा गया, तो पुराना कुआं जो था उसी को साफ सुफ करके पूरे पैसे निकाल के खा गए हैं। कुआं अभी तक ना खोदा है ना बांधा है, और कहीं नहीं, उसमें आए दिन मवेशी गिरते रहते हैं, लेकिन पंचायत का कोई ध्यान नहीं है। और हमने जनपद में भी बोल दिया है, आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कलेक्टर ऑफिस में भी दो से तीन बार आ चुके हैं और आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। और ना ही किसी प्रकार की जांच हुई है, ना कोई अधिकारी वहाँ कुएं पर जाके उन्होंने अभी तक देखा है कि क्या है और क्या नहीं है। अब क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, रोजगार सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जांच की मांग करते हैं। और पेयजल के लिए हमारे यहाँ कोई भी व्यवस्था की जाए। और नालियों का पानी पूरा कुएं में जाता है, लेकिन किसी प्रकार के नालियों को पानी को भी नहीं बांटा गया है, उसमें कुएं में जा रहा है पूरा पानी, और उसमें मवेशी आए दिन गिरते रहते हैं। वहाँ पे होज भी बना हुआ है, कुएं से तीन फीट दूर पे गए तो रोज वहाँ पर मवेशी भी डेली जाते हैं पानी पीने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुशवाहा है। कहाँ रहते हो? मेहरगट्टी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।